हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन आए हैं छत्रपति शिवाजी कॉलेज दुर्ग। तो यहाँ काफ़ी अच्छा टेक फेस्ट हो रहा है, यहाँ सेंट्रल रोबोटिक टेक फेस्ट हो रहा है जिसका नाम है लक्ष्य। दिखा देता हूँ आपको पीछे में, देखो वहाँ पर लक्ष्य का बैनर लगा है। यहाँ कॉलेज अंदर हूँ मैं, अभी जस्ट आया हूँ। तो यहाँ काफ़ी अच्छा, फिर चलो तो देखते हैं, यहाँ बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। तो फाइनली गाइस, अपन को एंट्री पास और कैब प्रोवाइड हो चुका है, तो अब यहाँ का अपन काफ़ी अच्छा और व्यू दे सकते हैं। चलो अब अपन पहुँच चुके हैं CSIT कॉलेज दुर्ग। तो यहाँ फंक्शन भी हो रहा है, तो अपन अंदर जाके फंक्शन देखेंगे। अब चलते हैं आपस से अंदर। चलो फिर अरे भाई, यहाँ पर क्या बना है देखते यार। चलो अंदर जाके देखें क्या CPU टायर क्या क्या, देखो पूरे किट वेट से बना हुआ लक्ष्य क्या लिखा है। अंदर चलते हैं और यहाँ काफी मस्त कॉलेज। ये देखो छत्रपति शिवाजी कॉलेज दुर्ग। चलो यहाँ से गेट से अंदर चलते हैं। से अंदर अंदर में इवेंट चल रहा होगा, अब इधर जाएंगे। यहाँ तो पहली बार आ रहा हूँ मैं, तो इतना पता नहीं है। देखो यहाँ सारा इवेंट हो रहा है, यहाँ पास लाइन बाय लाइन हो रहा है। यहाँ पास एंग्री बर्ड हो रहा है, ड्रोन रेस हो चुका है। चला अंदर आ सर, ड्रोन रेस हो रहा है गर्ल्स। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट लोग बचे हैं, प्लीज जीरो। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? परफॉर्मेंस जोर जबरदस्त परफॉर्मेंस, छोटे से मैं चंदकुरी से। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हिमांशु डोंगरगांव स्कूल से, हिमांशु मंडावी। यहाँ पर हेल्प कीजिए हमारे वॉलंटियर और इवेंट मैनेजर बास को जमा। दो शॉट और है, दो मिनट और मिलेगा। बच्चे जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक बार और कोई नहीं सुन पूरा जमा भी जाएगी, आपको पूरा जमा भी जाएगी। तो यार जल्दी कीजिए, जल्दी बाहर चेक दीजिए। काफी अच्छे यहाँ पर एंग्री बर्ड चलते हुए। काफी अच्छा क्या अच्छा लग रहा है, मीम्स आ रहे हैं ना? नहीं नहीं सही है। चलो इधर स्टॉल तरफ चलते हैं।
फिर वहाँ पर हमारा डांस स्टेज बन रहा है मैकी और मूव के लिए। देखो उधर अंदर है, तो आधे एक घंटे में स्टार्ट हो जाएगा मैकी और मूव के लिए, फिर अपन डांस देखने जाएंगे। चलो इधर चलते हैं, अभी ये स्टॉल लगा है। कहाँ चलो आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूँ मैं, जो अपन इंस्टाग्राम में ही फेमस है, ऑन ट्रेंडिंग है। ऑन ट्रेंडिंग या ये चीज देखे ही होगी। देखो इसमें किसी को पहचानते हो? देखो ये है अंजलि दीदी, इसको तो देखे नहीं होगे, तो देख लो क्या। और एक और यहाँ पर सीमा दीदी, ये लोग कभी ये लोग भी आईपी पर्सन है, इसलिए ना इन लोग को फोटो लगा गया है यहाँ पर कॉलेज के। ये अपने कोरबा के हैं, इसलिए मैं यहाँ दूर गया था, इसलिए सबको दिखाता हूँ। ये देखो सेंट्रल नंबर वन टेक फेस्ट छत्तीसगढ़। अंजलि दीदी यहाँ फर्स्ट आएगी, अपन रहेंगे तो आपको वो भी दिखाऊंगा, प्राइज मिलेगा उनको। उधर से आया अमन, वो मेन एंट्री गेट है। अब अपन इधर चलते हैं, चलो क्रिकेट हो रहा है उसको देखने, फिर यहाँ का आपको यहाँ का कुछ। यहाँ देखो बॉटल जेड, यो 25 मीटर, 35 मीटर, 50, 70। रोबोट वॉर हो रहा है, ठीक है। रोबोट वॉर फुटबॉल या गो कार्ट बैठेगा क्या भाई? परमिशन नहीं है बोल रहे हैं। रोबोट सॉकर बंद हो गया यार। चलो भाई को लास्ट 5 पॉइंट। बिना हाथ उठाए, ठीक है, यहाँ बिना हाथ उठाए पहलू, ठीक है। यहाँ पे काफी अच्छा देखो, और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, स्टार्ट करो। ओहो यहाँ बस बैलून फटा वाला मिला। रेडी स्टेडी गो। ओ नाइस नाइस, यो चलो बढ़िया है, एनर्जी दिख रही है लड़कों में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा लड़की का वीडियो बना रही थी क्या? चलो कोई नहीं, लड़की थक गई इसलिए, लड़की थक गई है, ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो, अब कौन जीतेगा, विनर कौन होगा ये देखते हैं अपन। रेड बैलून वाले हाथ में पकड़ने से फाउल, यहाँ लास्ट कप बचा है, या विनर विनर दिख रहे हैं आपको, 10 सेकंड्स, टेन सेकंड, यो ये विनर रेड वाले। टाइम अप, टाइम अप। मैडम से पूछते हैं कौन सा गेम कप गेम कौन सा खिला रहे थे, तो मैडम बताओ।
हम लोग ये जो लक्ष्य हो रहा है लक्ष्य जैसे काफी टाइम बाद हो रहा है हाँ। तो इसमें हमारे एक इवेंट है 1 मिनट शो हाँ। तो हम लोग इसमें जो इवेंट करवा रहे हैं वो मतलब इसमें क्या होता है 1 मिनट में जो छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज और फ्रेशर्स पार्टीज ये सब में जो गेम होते हैं ना वही सारे गेम है और जैसे आपको शायरी आती है या गाना गाने आता है तो अपन वो भी करवा सकते हैं। तो 1 मिनट के अंदर में ये सब आपको करना रहता है। इसमें जीतने वाले कुछ मिलेगा? हाँ, इसमें आपको ऐसे चॉकलेट्स भी मिलते हैं और कुछ ऐसा वो नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, काफी अच्छा बोली यहाँ पास। अब ये दूसरा गेम खिलाने का मैडम का टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके यहाँ बस न्यू गेम, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसको। पूछेंगे कौन सा गेम है, इसका नेम नहीं पता मेरे को अभी। ठीक ठीक ठीक। कितना सेकंड का है ये? 1 मिनट का गेम है, 1 मिनट में जितना निकाल सकते। 1 मिनट में सभी निकल गए, ऑल टोटल निकल गया। 30 सेकंड में लोग निकाल चुके हैं। गेम का नाम था क्लिप वाला गेम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहले बहुत सारे क्लिप चिपकाए, उसके बाद जो वो पार्टनर रहेगा वो जो अपने मुंह से क्लिप निकालेगा, तो एक मिनट का टाइम मिलेगा, जो जितने कम टाइम में करेगा वो विनर होगा। मैम मैं तो ये गेम पहली बार देखा था। हाँ हाँ, ये कुछ नया अपन लेके आए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, काफी अच्छा बताइए क्लिप वाला नया गेम। मैं तो स्टेज में चढ़ गया हूँ। ओके ओके दीपक जा रहे सिंगल सिंगल डाल रहे हो। ठीक है 30 सेकेंड, डबल डबल नहीं सिंगल, काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, तो दीपक ने उजाला फैला दिया, दीपक विनर बन गया। ठीक है, तो दीपक के लिए क्लैप कर दो भाई। ठीक है दीपक, आप उजाला फैला के साथ। आपके लक्ष्य कॉलेज में क्या हो रहा है? मतलब ये जो लक्ष्य है वो जब से कॉलेज अपना जब स्टार्ट हुआ 2003 में, तब से ये लक्ष्य हो रहा है। और अभी लॉकडाउन कोविड के कारण क्या हुआ था, ये लक्ष्य हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरे कंट्री में ऐसे ऑल नो लॉकडाउन था, तो ये हो नहीं पा रहा था। और बेसिकली टेक फेस्ट है ये। यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रोबो वॉर हुआ करता था, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ रीजन्स है उसकी वजह से यहाँ पे रोबो वॉर वो हो नहीं पाया है। और जैसे यहाँ पे आप रोबो वॉर देख सकते हैं, वो छोटे मिनी रोबो वॉर्स जो होते हैं वो हो रहे हैं, रोबो रेस हो रहे हैं, कार रेस हो रहे हैं, वो सब हो रहे हैं, मतलब ऑल ओवर ये टेक फेस्ट है। और जब अभी 3 साल बाद कोविड के बाद यहाँ पे फार्मेसी भी आ गई है, तो आप फार्मेसी के भी कुछ इवेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे डीप ब्लू का रोमांचिक मैच यहाँ पे खेला जा रहा है, बहुत ही शानदार, अद्भुत अद्भुत। कौन सा मैच है भैया, कौन सा मैच? ब्लू। इससे क्या होता है भैया? इसलिए यहाँ पे नाव बना के लाते हैं बच्चे, हाँ, उसको अपन पानी में चलाते हैं, हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया है, राउंड वाइज होती है, हाँ, तो उनको जाके टाइम वेस्ट राउंड होता है, जाके वापस आना रहता है, हाँ, सेकंड पे अपन उनको बॉल देते हैं, हाँ, बॉल को उनको फिनिश पॉइंट पर ले जाना रहता है, हाँ, सेकंड पे अपना बलून अपन उनको फिनिश कर देते हैं, हाँ, उनको बलून को पॉप करना रहता है, हाँ, अपने बॉल के थ्रू जो मैक्सिमम बलून पॉप करता है वो फाइनल राउंड का विनर रहता है। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो भैया बताएं आपस, इसमें जो बैलून को वाटर बॉल को और बैलून दोनों भी मिला जाएगा लास्ट में, उसको फाइनल। अरे
किरण पर सनम चले आएंगे चलो अब यहाँ से डांस स्टार्ट है वीडियो में बने रहिए तो आधा ही डांस है, इसके बाद पूरा डांस दिखाया जाएगा दूसरे पार्ट में, डीजे नाइट का पार्ट 2 ब्लॉक।